फाइनली भारत की पहली बुलेट ट्रेन को लेकर अब एक काफी अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है, जिसकी आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र में काफी हद तक हम फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे। यहाँ पर लैंड एक्विजिशन ही नहीं हो पा रहा था, तो फाइनली यहाँ पर ठाणे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल्स ने अब अपना टारगेट सेट कर लिया है। उन्होंने कहा है कि उनका टारगेट होगा कि 2 महीने के भीतर वो लैंड एक्विजिशन की जो प्रॉब्लम है उसको पूरी तरह से खत्म कर दे, पूरी तरह से सॉल्व कर दे। सो देखा जाए तो ये काफी अच्छा डिसीजन लिया गया है। ज्वाइंट मीटिंग के बाद फाइनली अब यहाँ पर एक्विजिशन को तेज गति पर लाया जाएगा। अब स्पेसिफिकली अगर हम ठाणे डिस्ट्रिक्ट को देख ले तो आप कह सकते हो ये तो एक हब ही बनता जा रहा है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का, बिकॉज यहाँ पर तो तमाम सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जैसे कि पहले तो हमारा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ही हो गया, देन मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे, फिर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। तो इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका है ठाणे। अभी फिलहाल करंट प्रोग्रेस की बात करें तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए ठाणे डिस्ट्रिक्ट में 79 हेक्टर ऑफ लैंड हमें चाहिए, इसमें से 51 हमने ऑलरेडी एक्वायर कर लिया है, लेकिन जो बचा है वो मेनली भिवंडी और ठाणे तालुका, ये जो रीजन है यहाँ पर ही अब एक्विजिशन करना बाकी रह गया है और होपफुली 2 महीने के भीतर ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो डिले ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिकॉज इससे न केवल ही भारत को नुकसान हो रहा है बल्कि जापान जो ट्रस्ट कर रहा है भारत के मेगा प्रोजेक्ट्स पर, तो वो भी काफी हद तक अब नाराज होते जा रहे हैं, बिकॉज आए दिन यहाँ पर बुलेट ट्रेन में कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई अड़चन खड़ी हो जा रही है। सो होपफुली एक बार ये जो एक्विजिशन का प्रोसेस है ये खत्म हो जाने पर ये बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट फिर से एकदम फास्ट ट्रैक पर आ जाएगा। इसके अलावा अगर कोई मेगा प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं तो इसकी कॉस्ट भी काफी ज्यादा बढ़ती जाती है। जो प्रोजेक्ट 700 करोड़ में है 10 साल बाद उसका कॉस्ट 10 टाइम्स तक भी इंक्रीज हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप चाइना में देख लो, मात्र 10 साल के भीतर उन्होंने ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किया है बुलेट ट्रेन के क्षेत्र में कि एक पूरा जाल, एक पूरा नेटवर्क ही उन्होंने बना डाला है। तो स्केल और स्पीड, ये जो आंकड़ा है, भले ही भारत यहाँ पर काफी बार बोलता है कि हम इसमें काफी अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं, बट ये स्केल और स्पीड का मामला डेफिनेटली हमें चाइना से जरा सीखना चाहिए। बट इस मामले में डेफिनेटली चाइना से हमें सीख लेनी चाहिए, बिकॉज 2017 में इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया था और कभी डेडलाइन में कहा जाता है कि 2024 तक, तो कभी 2027 तक इसे कंप्लीट किया जाएगा। अब दिन ब दिन काफी अच्छी अच्छी खबरें निकलती आ रही है, जैसे कि अब ये निकल कर आई थी, इसके पहले एक और खबर निकल कर आई थी कि रेलवे ने भी अब डिसाइड कर लिया है कि वो हर महीने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए 50 पियर तो एटलीस्ट बना ही देगी, ये उनका टारगेट है। सो इससे कंस्ट्रक्शन की स्पीड भी काफी तेजी से बढ़ जाएगी और एक कॉरिडोर के बाद बाकी के बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स पर भी काम काफी तेजी से शुरू हो सकता है। सो दिस इज एंड फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।